हाय दोस्तों, मैं आपका क्रिएटिव जिलानी। अब मैं शिमला जा रहा हूँ टूर को। मेरे को शादी नहीं हुआ, शादी हुआ तो शिमला क्या होगा, तो एक बार शिमला जाकर देख के आएंगे। शादी के बाद फिर आप एक बार जाएंगे देखना। शिमला, दिस इज शिमला लोकेशन, रेलवे स्टेशन, शिमला रेलवे स्टेशन। ऐसा एक बार तो आप माइंड ब्लोइंग, ऐसा सुपर प्लेसेस आप एक बार तो जाकर देखना। ऐसे शिमला में ऐसे बहुत सारे है, मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन। मैं आपके क्रिएटिव जिलानी ये वीडियो में आकर कही कर दो। मैं एक टूर जाता हूँ, एक 7 दिन का टूर समझ लो, 7 डेज। पहले हमें शिमला जाते, शिमला के बाद हमें अजमेर जाते, 2वां प्लेस। 3वां प्लेस आकर आगरा ताजमहल देखने। ऐसे 3 जगह जाते हैं हमें। वहाँ का फूड कैसा होता है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सब आपको दिखाता हूँ। अब समय 3:10 हो रहा है। इतने रात को कौन तो ब्रश करता क्या, मैं करना पकड़ता है मुझे। क्या करेंगे, रात सारी नींद नहीं मेरे को। रेडी होकर जाना ना टूर को, उसके लिए रेडी हो रहा हूँ। आप भी रेडी होकर जाते हैं, कभी तभी नींद आती है आपको भी। ऐसा देख लेना, 1 घंटे में पूरा रेडी हो गया मैं। आप समय देख लेना, 4:10 हो रहा है। हमारा छोटा गाँव इधर ट्रेन नहीं खड़ा करेगा, उसके लिए हमें दूसरा गाँव जाना पकड़ रहा, बस पकड़ना अब हमें। ओके, बस पकड़ लिया कैसे, हमें टाइम करेक्ट, हमें रेलवे स्टेशन पहुँच गए। अब ट्रेन आना देर हमें उड़िया थे हमें, सॉरी ट्रेन में हमें चल के जाएंगे, सॉरी ट्रेन में हमें बैठ कर जाएंगे। देखना लोकेशन कैसा है ट्रेन में, अमेजिंग लोकेशन है। ऐसा हम ना को फीचर दिखते थे बाहर, हम ना को आपको ऐसे ऐसे लोकेशन अभी देख रहे थे। ट्रेन में आइटम पर सफ़र करे टेम्पो सुपर है, ऐसा कि बहुत सारे मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह नाश्ते का टाइम हो गया, ये आपको घर में बना लेते खट्टा खाना, नींबू का वो खाना खा के देखा, बराबर नहीं, एवरेज घर में रेगुलर से खाते रहते हमें ऐसा बना लेके। आप भी बना ले जाते ना कभी तभी, ऐसा सफ़र करे टेम्पो दूर जाए टेम्पो, ऐसा हमें 1 दिन का बना ले हमें। उसके बाद हमें थोड़ा टाइम पास के लिए चॉकलेट्स पैकेट एक ले लिया, एक एक चॉकलेट टाइम का खाता है। ओके, चलता रहता। बाद में हम ना को थोड़ी देर हमें आराम करने के लिए थोड़ी देर में सफ़र करने सो जाता हूँ। सो गए के बाद फिर हमें उठ को देखा था क्या होगा, तो हैदराबाद आ गया। ये काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन है, इधर हमें एक चाय मार के, चाय मारना नहीं चाय पीने का है, सॉरी चाय पी ले के थोड़ी देर आराम करके गाड़ी में निकल गएंगे। ऐसे फिर हमें गाड़ी में बैठ कर सफ़र करें, रात हो गया। ऐसे हमें देखना कितना पब्लिक है कि आपको कितना, आप रिजर्वेशन भी कर लो, आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा दिन मॉर्निंग में नींद उठने के बाद क्या होगा, तो बाहर देखा मैं, इधर आकर एक स्टेशन आया। ये स्टेशन में इधर क्या होगा, तो इसका खासियत देखे, ये स्टेशन में एक फिल्म भी खड़े थे, वो फिल्म का नाम आपको आप देखो कहते दी रेलवे मैन, ये वेब सीरीज है, इसका वीडियो मैं सेपरेट से भी काट को हूँ। इधर बहुत सारे आदमी गुजर के मर गए, ये देख लेना भोपाल रेलवे स्टेशन बोर्ड है इधर। इसमें क्या रहेगा, तो इधर आपको गैस लीकेज आगो एक फैक्ट्री से 16,000 आदमी तक मर गए। भोपाल के बारे में डिटेल से वीडियो काट को हूँ, मेरे चैनल में तो चेक कर लेना वीडियो भी। ओके, इसके बाद हमें थोड़ा हमें रेडी हो जाएंगे, ऐसा हमें थोड़ा फ्रेश होकर थोड़ा नाश्ता करेंगे। अब हम कह रहे थे घर में बनाने से रोटी है, फिर आपको फल भी जाएंगे बुकनी है। ओके, टेस्ट तो ओके बाचच है घर में बनाने से। आप दिल्ली आ गए हमें, ये दिल्ली रेलवे स्टेशन है, देख लेना दिल्ली रेलवे स्टेशन कैसा है कि। इसके बाद हमें दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के हमें दूसरा ट्रेन पकड़ के शिमला ट्रेन पकड़ना। ओके, देख लेना ये शिमला ट्रेन है, इसमें चढ़ कर हमें 5 घंटे का जर्नी है हम ना को। अब शिमला पहुँच जाएंगे हमें, शिमला के लोकेशन देख लेना। इधर आपको कोटी है, कोटी में स्टेशन खड़ा है, इधर देख लेना लोकेशन अमेजिंग है था हम ना को। कभी तो आप जाके तो सुपर प्लेस ये, पूरा पहाड़ों पर जाता था ट्रेन पूरा, ऐसा हम ना को पूरा पहाड़ा आसपास बिल्डिंग है, अमेजिंग लोकेशन। आप कभी भी समझ लो शिमला में हम ना को सुपर रहता लोकेशन। ऐसा आप कभी तभी आइस गिरते टेम्पो जाना, आप आइस पड़े टेम्पो सुपर रहता। इधर हमें दिसंबर में गए, थोड़ा आइस कम पड़े हम ना को, जनवरी से स्टार्ट होता, 1 महीना अवल गए हमें है, तो भी हम ना को ठंड बहुत है इधर। लोकेशन पूरा सुपर है, अमेजिंग लोकेशन, कभी मैं देखा नहीं सर। ये जर्नी ट्रेन जर्नी सफ़र सुपर रहता आपको, अमेजिंग लोकेशन सुपर प्लेसेस दिखते थे आपको ट्रेन जर्नी में। ऐसा ऐसा ट्रेन जर्नी में कभी तो आपको शिमला जाना है तो ऐसा 5 घंटे का सफ़र करना आप देख लेना, ऐसे बहुत सारे आपको अमेजिंग लोकेशंस दिखते रहते। ये शिमला का ट्रेन वीडियो आपको मैं सेपरेट से काट को मैं मेरे चैनल में चेक कर लेना आप, उसका पूरा डिटेल से मैं वीडियो काट कूँ, अच्छे अच्छे लोकेशन सब कैप्चर करको मैं वीडियो में। वो वीडियो होना का था आपको मैं बाद में आपको पोस्ट करूँगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप। ऐसा अमेजिंग लोकेशन ये आपको मैं फुल डिटेल में वीडियो काटकूँ, चेक कर लेना मैं चैनल में आता। ओके, देख लेना शिमला पहुंच गया हमें, शिमला रेलवे स्टेशन ये, ऐसे बिल्डिंग देख लेना कैसे है कि, सुपर अमेजिंग लोकेशन ये सब। ऐसा छता आपको पहाड़ों पे पूरा रहता है ये बिल्डिंग पूरा। ऐसा हमें 5 घंटे जर्नी करे के बाद आए के बाद हमने शिमला पहुँच गए। शिमला पहुँचे के बाद देखे थे भी सुपर लोकेशन है शिमला में, अमेजिंग लोकेशन है आपको, हनुमान टेम्पल है आपको, सब आपको दिखा दो मैं क्या क्या लोकेशन है कि। शिमला, दिस इज शिमला लोकेशन, रेलवे स्टेशन, शिमला रेलवे स्टेशन।
ओके 360 डिग्रीस वीडियो। ओके शिमला पहुंच के बाद हम ना को थोड़ा हम लोग भूख लगती है, दफर हो गया हम ना को। दफर हो गया बाद हमें थोड़ा खाना खाने के लिए गया था, खाना हम ना को उधर अमाउंट ज़्यादा है, उधर 200 रुपये है प्लेट। इसके लिए हम क्या करेगा था, थोड़ा हमें नूडल्स खाएंगे इधर आगे। इधर आकर नूडल्स प्लेट आके 40 रुपये, इधर नूडल फुल टेस्ट में बनाता है, प्लेट भी थोड़ा ज़्यादा देता है, क्वांटिटी भी अच्छा है मेरे को कवाया। उसके लिए मैं रात दिन हमें नूडल्स खा ले, हमें दो टाइम भी नूडल्स तो सुपर है। ऐसा आप बना के इधर नूडल्स 40 रुपीज़ में देते हैं हाफ प्लेट, फुल प्लेट आपको 80 रुपये। ओके आप कभी तभी शिमला गए तो नूडल्स डेफिनेट चेक करना, इधर विजिट आइटम्स भी है, इधर सब आइटम अच्छे है मेरे को टेस्ट कर, हमें देख लेना। ये थाली ये हम ना 40 रुपीज़ ये प्लेट, ये प्लेट हमें खाए के बाद देखे टेस्ट तो अमेजिंग सुपर है। इधर बहुत ठंडा है, ऐसा गरम गरम हमें खाते हैं तो बाबा ऐसा ठंडा ठंडा प्लेस में गरम गरम खाते हैं तो सुपर है हम ना को। ऐसा ट्राई करना आप कभी तो भी ऐसा। मैं मेन क्या करता शिमला, हमें शादी कर लेकर जाना, मेरे की शादी नहीं हुआ, वही प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम। बैचलर से गए तो थोड़ा हम ना को नॉर्मल रहता, यही हमारा बैचलर से क्या करेंगे, एक बार हमें देख लेकर बाद में शादी कर ले बाद फिर जाएंगे हमें। ओके दोस्तों इधर देख लेना, इधर शिमला के हमना बाजार है, ये बाज़ार देख लेना। इधर पूरा आइटम बहुत ज़्यादा कास्ट है इधर, इधर लोकेशन भी अमेजिंग है, पूरा पहाड़ पे ना, देखना कैसा लोकेशन है कि। इधर मैं पूछा अमेज शापमपुरा में, हर एक भी रेट ज़्यादा बोल रहे, डबल डबल रेट बोल रहे, उसके लिए मैं ज़्यादा क्या परचेस नहीं करा इधर, उसके लिए थोड़ा घूम के थोड़ा खा के पी के एंजॉय करके आ गया। ऐसा लोकेशन होता है इधर देख लेना, शिमला के बाज़ार। फिर चलते हैं तो हम ना को थोड़ा भूख लगी, अब और एक चीज़ आपको खाने के लिए हमें खड़े इधर, ये देख लेना ये मोमोस है, इधर मोमोस फेमस को बोलते थे, एक बार टेस्ट करेंगे। होगा हमें प्लेट ऑर्डर करे, प्लेट आपको हम ना को 50 रुपये पड़ा, 10 पीस आते। ओके मोमोस में 3 चटनियाँ डाले, माइनस हरी चटनी और खार की चटनी, सब्जी ना हमें टेस्ट करके देखे हमें पूरा भाई हम पूरे। मेरे को क्या कहवाएगा तो टेस्ट तो सुपर रहेगा, ये ठंडा मौसम में गर्म गर्म खाए तो समझा मैं, एक बार टेस्ट करके देखेंगे मोमोस कैसा है कि। खा के देखा मेरे को खाना, चावल ज़रा पका नहीं पका, थोड़ा टेस्ट तो अच्छा नहीं है मेरे को, मेरे को एवरेज का हुआ उतना खास नहीं है। चलिए शिमला में क्या क्या फेमस है कि आपको दिखा दूँ, बाजू देख लेना इधर रेड साइड में हम ना को घोड़े की सवारी है, पूछेंगे रेट कितना है। एक रेट कितना? 150 150। इधर आको एक घोड़े की सवारी आको 150 रुपये कहते, 150 है तो भी ज़्यादा दूर नहीं जाते, थोड़े दूर जाते वेस्ट को, तो किसको तो भी घोड़ा चढ़ना है या तो चढ़ सकते हैं आप। 150 देखो इधर आकर देख लेना, ये आपको मेन लोकेशन ये, इधर ज़्यादा पब्लिक पूरा इधर ज़्यादा फिरता रहता है, इधर आप ऊपर हम ना को स्टे कर सकते हैं, हमें जरा आज आसाम से दिखता ये आपको हम ना पब्लिक प्लेस है। थोड़ा लेफ्ट साइड में इधर हम ना को हैरी पॉटर का घर दिखेगा, ऐसा घर कैसा का। ओके थोड़ा राइट फिर रहता हम ना देखना, इधर चर्च ही है, इधर चर्च फेमस, चर्च के अंदर एक बार जाएंगे देखेंगे हमें, ट्राई करते हैं जाने के लिए अंदर को, चर्च तो बहुत बढ़िया है इधर ये फेमस। इधर देखना खाने का आइटम पूरे है, ये मेन आइटम्स इधर। इधर क्या रहेगा तो वेरायटी वेरायटी फूड आइटम्स बना के इधर बेचते रहते, कास्ट भी ज़्यादा आता। चलिए एक लुक डालेंगे हमें क्या क्या आइटम है कि। ऐसा हमने एंटर होना देर ज़्यादा क्या रहेगा तो हम ना इधर नॉन वेज आइटम्स फूड आइटम्स पूरा है। आप क्या करते हैं तो इधर बहुत सारे जनों इधर बड़े पूरी ऐसा बेचते हैं, फिर आगो साइड में भी चक्कर हमें क्या क्या आइटम है, वो इधर स्वीट आइटम्स है, इधर आग हमें स्वीट है, हॉट है, ये थोड़ा वेरायटी स्वीट हॉट है, स्वीट हॉट साल्ट ओके हॉट अंत ये स्वीट का अंत रागे संगट अनुकुंटा ये मन तेलो कोत कोत रकम वंटका। ओके ये फूड आइटम बजे रखे इधर देखना कितना वो सेक है हमना को, इतना ज़्यादा ठंड है हमना को, कैमरा भी बार बार कैप्चर नहीं हो रहा, पूरा अंधारा दिख रहा। ओके इधर क्या रहेगा तो हमना कैसे फिर था हमना, इधर नॉन वेज आइटम भी है हमना को, सब नेपाल यहाँ का है, नेपाल है कि नहीं चाइनीज, चाइनीज वाले थोड़े वो होते ना जापान वाले से दिखते हैं मेरे को। ओके फूड आइटम हो गया, लोकेशन दिखा दिया हमें, आपको दूसरा लोकेशन दिखा देता हूँ, चलिए देखेंगे हम उधर से जगह। ओके दूसरा लोकेशन आ गया हमें, अब देख लेना इधर ज़्यादा ठंड है हम ना को, इधर ज़्यादा हाकड़ आते हैं आंगले पूरे ऐसा, कितना हाथ हमें रफ करे तो भी हम ना को फुल टाइट हम ठंड है, आइस गिरानी तो भी आइस पड़ के तो ज़्यादा हाकता। देख लेना इधर सनसेट देख लेना, इधर हम ना को सूरज डूबता है इधर, सुपर है लोकेशन तो, ऐसा आप कभी तो चेक कर सकते हैं आप शिमला में सूरज डूबने का सनसेट आप अमेजिंग आता। चर्च भी देख लेना, चर्च के बाजी की झूमे, चर्च मूजल को है, नहीं तो अंदर जाके दिखा खाते चर्च कैसा है कि। देख लो ना सनसेट आपको, ऐसे सीन आप फिल्मों में देख खाते, ऐसे डायरेक्ट देखे आपको दिल को कितना सुकून होता है देख लेना। रात का खुद शिमला में देख लेना कैसा है कि, ऐसा वाटरफॉल हम लोग अमेजिंग है लोकेशन इधर भी। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, थोड़ा लाइक करना, सपोर्ट करना, शेयर करना, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो।
थोड़ी देर बाहर घूम के हमें रूम का आ गया, दो रूम आ लिया हमें, नीचे से लेडीज से ऊपर जिम से। हमें एक बार रूम दिखा देते हैं, देख लेना कैसा एक रूम। हमना को रूम का कास्ट ज़्यादा है इधर, पर डे हमना को 2000 पड़े, हमना को 2000 पड़े। ऐसा एक डबल बेडरूम है, बेड है इधर आगे, दो जने सो सकते तीन जनों, इधर आगे ट्रिपल बेड है, ऐसे तीन जन भी सो सकते, चार जन भी सो सकते। इधर आगे सोफा इधर डाल के दीवान काटने, टीवी है, कैबिन आ रहा, बाथरूम है इधर, लेटरिन बाथरूम उतना है जो। अब रात का हम स्टे करके सुबह हम निकल जाते। मॉर्निंग हमें तीन जगह जाने का लोकेशन हमें ये करके है, हमना को पहले आगे हनुमान मंदिर, फिर मैं आगे ग्रीन लैंड, फिर आगे अच्छे लोकेशन आपको दिखा देते हूँ मैं। दोस्तों कभी तो आपको सवेरे सवेरे ऐसा खा पा खाता आप, ऐसे किटकी खोलना दे रहा आप, किटकी के बाहर ऐसा आप क्या करते हो तो ऐसा नज़ारा देखना दे रहा आप, ऐसा पहाड़ों के बीच में ऐसा आप हवा में उठे सका आप, अमेजिंग लोकेशन दिख सका, ऐसा कभी तो आप सोच को हते खाब, वैसा खाब मेरे को सही हुआ, देख लेना सुपर है। हमना को आपसे बाहर दिखा दो, देख लेना बाहर लोकेशन, ऐसा ठंडी ठंडी पहाड़ों के बीच में ऐसा चल को आते हैं तो बहुत अच्छा कवा है मेरे को। मेन प्रॉब्लम एक कवा है मेरे को, शादी हो गया तो अच्छा होगा था, थोड़ा रोमांटिक रखा था, क्या करेंगे बैचलर से है तो बैचलर का पार्टी चला था, थोड़ा हमने परवाह नहीं। ओके चलिए आपको हनुमान मंदिर दिखा देता हूँ। अब हमें बाहर निकले, हमें ये हनुमान मंदिर का सामने का एंट्रेंस है, देख लेना सीढ़ियाँ हैं इधर, हमने को ऊपर चढ़ के जाना हो हमें, थोड़ा हमने को तकलीफ होता, थोड़ा हमने को चढ़ो ऊपर है पहाड़ पर है, ऐसा ज़्यादा इधर शिमला में क्या होगा तो पहाड़ों पर जाना हमें। इधर आगे दो रास्ते हैं हमने को, एक प्लेन रास्ता है, एक आगे सीढ़ियाँ का रास्ता है। प्लेन रास्ते में जाता हूँ, इधर देखना प्लेन रास्ते में जाते टाइम पर क्या होता है तो बाजू बंदर है हमना को, ये बंदर क्या करते हो तो कैमरे खींच लेते, ऐसा क्या भी हाथ में से निकाल लेते, उसके लिए मैं कैमरा हाफ करा। ओके ऊपर पहुँच गया मैं, ऊपर पहुँच जाता का मेरा पवन में दर्द है, मेरा कमर भी दर्द पकड़ा, थोड़ा हाइट ज़्यादा है ये पहाड़, ऐसा निकल गया था का ऊपर देखना दे रहे, मेरे होश उड़ गए। अमेजिंग लोकेशन देख लेना, ये हनुमान मंदिर, हनुमान कितना बड़ा है गुड़ी, ऐसा हम ना कैसे लोकेशन देखे तो कितना दर्द भी है हमें सो भूल जाते हमें, ऐसा अमेजिंग लोकेशन देखने के लिए हमें इतना दूर आते सो। मेरे को तो हंग्यांग देखते हैं तो सुपर करवाया है मेरे को लोकेशन, सेम हमना को आइस पड़ता है अभी सुपर रखा था, क्या करेंगे आइस पड़ने का अब एक महीना लेट हो रहा है, जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर में आ गया हमें। इधर शिमला में हनुमान मंदिर का डिटेल बोलता हूँ, इधर इतना बड़ा स्टैचू कहीं रखे कि उसका डिटेल भी बोलता हूँ मैं। पहले हमें हनुमान मंदिर के अंदर जाएंगे, पहले हम चप्पल काट के मंदिर के अंदर जाना हमें। ऐसा हनुमान मंदिर एंट्रेंस है, यही एंट्रेंस देख लेना कैसा है कि शिमला में हनुमान मंदिर बनाने का वजह क्या है का तो, इधर हनुमान मंदिर का खासियत क्या है का तो देख लेना। यही मंदिर इधर क्या रखा तो संजीवनी पहाड़ है ना पर्वत ले ले गया टम्पो हनुमान, इधर क्या कहते तो इधर रुक को गए टम्पो पैरों के निशाने पड़े कहते इधर, उसकी वजह से इधर हनुमान मंदिर बना को है, इसका वजह यही चु इधर बोलते हैं मैं सुनिया से यही चु। इधर भी हमना को हनुमान मंदिर के अंदर हमना को पूरे फोटोस है हनुमान के, बीच में पैरों के निशाने क्या था है कि मेरे को बराबर नहीं दिशा, जूम करके देखा तभी। ओके अंदर जाकर देखेंगे, कैमरा नाटा लौटो है तो भी आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा हमें चौराहे से वीडियो काटे, देख लेना पूरे फोटोस है हमना को हनुमान के, कितने फोटोस है कि उतने देवल के फोटो हम पूरे है हमना को। ऐसा बाहर हमें हनुमान का मूर्ति देखे ना उतना बड़ा होके संजीवन पर्वत ले लेके जया को इधर को बोलते हैं थे। ओके मंदिर का फुल डिटेल मैं आपको दिखा दिया, हमें प्रसादम दिए, प्रसादम खा लेके हमें अब हमें दूसरा लोकेशन जाएंगे हमें, हम शिमला में दूसरे लोकेशन में क्या कहते हैं हमना को। इधर देख लेना ये ग्रीन वैल्यू है, ग्रीन वैल्यू क्या कहते हैं हमना को, बड़े बड़े पर्वत रहते इधर बड़ा रहता है हमना ग्रीन में है देख सब। हम आपको सुपर लोकेशन ये, आप ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस आइए, टूरिस्ट आपको इधर फोटो वहाँ खींच के वीडियो निकाल के टेलीस्कोप से देख के जाते रहते। दोस्तों बहुत सारे आपको मेहनत करके ऐसे वीडियो संकाल को मैं आपको डिटेल से बोलता हूँ, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सपोर्ट करना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना। ओके दूसरा लोकेशन भी दिखा देता हूँ आपको, मैं एक होटल को जा रहा हूँ, सुबह ही हमने 11 बज गया हमने नाश्ता करने के लिए, देखना होटल के पास आए के बाद अमेजिंग लोकेशन है ये देख लेना। इधर से देखता है तो हम लोग इसके पहाड़ भी दिखते हैं हमने को, ऐसा सुपर लोकेशन ये आपको कभी तो भी शिमला में देखने का ऐसे लोकेशन एक बार देखे तो भी आपको सुपर रहेगा, मेरे को तो बहुत अच्छा पसंद आया। ऐसा आप वो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, देखना आइस के पहाड़ा आपको ऊपर साइड है ना वाइट वाइट है ना वो आइस के पहाड़ा, हमने को जनवरी में स्टार्ट होता है आइस। ओके आइस पड़ गया था अभी सुपर रखा था है तो अभी क्लाइमेट हमने बहुत ठंडा है हमने कैसा। इसके बाद हमें थोड़ा नाश्ता कर लेंगे, हमें टाइम हमने 11 बज रहा है टाइम हमने को सुबह के। ओके हमें नाश्ते में क्या रखा था, परोठा हमें मंगेंगे सोचते हैं, परोठा दाल देख लेना ऐसा परोठा आलू परोठा है, फिर आगे हमने नॉर्मल रोटी है ये दाल, ये दाल आपको 80 रुपीस, रोटी आपको 20 रुपीस, ऐसा आप हम मंगाले को थोड़ा हमें नाश्ता कर लेके निकलेंगे। टेस्ट परवाह नहीं अच्छा छे, मैं टेस्ट करके देखा खा के भी, ऐसा रोटी दाल मेनू सुपर टेस्ट है। थोड़ा क्या रहता है तो कास्टी होटल, होटल में ज़रा रेट ज़्यादा है,
ओके परवा नहीं, टेस्ट तो सुपर है। दूसरी जगह और एक टेस्ट करेंगे फूड आइटम। ये हमारा व्हीकल, व्हीकल में हमें दूसरा लोकेशन जाना है, हमें टाइम हो रहा है निकलेंगे। ओके निकलते टाइम पर क्या हुआ था, टाइम 2 हो गया। इधर देख लेना, इधर हम ना को थाली बेच रहे हैं, इधर थाली का रेट आपको 100 रुपये। 100 रुपये में हमने क्या आता था देखना, एक कप राइस आता हम ना को, कप राइस के बाद हम ना को एक आलू बठाने का सालना, बाद आपको सोयाबीन्स का सालना, इसमें आपको दाल आता थोड़ा हम ना को, बाद में आपको 4 रोटी आते, 2 रोटी देने का है, 2 रोटी है। अब हम क्या करते हैं टेस्ट करके देखेंगे कैसा है कि, अब हमें टेस्ट करके देखेंगे। पहले हमें बीन्स का सालना डाले को चावल में टेस्ट करेंगे, ऐसा थोड़ा हमें स्पून से खाकर देखा तो मेरे को परवा नहीं, टेस्ट ना नॉर्मल से अच्छा से। ओके अब हम रोटी से हमें आलू बटाने का सालना है ना वो खाकर देखेंगे, ये मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, टेस्ट तो सुपर है ये, ठंडे मौसम में ऐसा गर्म गर्म खाते तो सुपर टेस्ट है। बाद में आपको लास्ट हम ना को दाल है, ये थोड़ा दाल खट्टी है। ओके थोड़ा खट्टा दाल से खाते हैं तो थोड़ा टेस्ट अलग है परवानी। ओके ओके फूड आइटम तो हो गया। अब शिमला में हमें लास्ट दिन ही हमें अब दूसरे को जाना है, अब अजमेर को जाना है। अब क्या करते को था हमें बस पकड़ना, बस पकड़ के बाद हमें ट्रेन पकड़ना, कल दफर को पूरा हमें पहुँच जाते हैं अजमेर को। अजमेर के दरगाह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अजमेर के बाद हमें पूरा लोकेशन दिखाता है अजमेर में के, उसके बाद हमें आगरा जाएंगे, आगरा में लाल कोटा, ताजमहल सब देखेंगे। वो वीडियो देखने का तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करना मेरे को।